हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1954 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी ऑसिप ब्रेनस्टीन और मिगुएल नजदरॉफ के बीच में। फ्रेंड्स, गजब की गेम है। तो d4 के साथ यहाँ ऑसिप ब्रेनस्टीन ने शुरू किया, नाइट f6 यहाँ मिगुएल नजदरॉफ ने खेला, देन c4, d6, नाइट c3, नाइट एट बी गोज टू d7, देन e4, तो e5 यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट गया f3 स्क्वायर पर, देन हुआ g6, तो d takes e5, देन बिशप e2, तो c6 यहाँ ब्लैक ने खेला। और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, क्वीन गई c7 स्क्वायर पर, देन हुआ h3, तो नाइट c5 यहाँ ब्लैक का मूव आया, क्वीन c2, देन नाइट h5 स्क्वायर पर। और आने वाले समय में ये f4 पॉन ब्लैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रुक e1 पहले व्हाइट ने खेला, देन नाइट गया e6 स्क्वायर पर। जैसा मैंने कहा था कि ये f4 स्क्वायर ब्लैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को रखा e3 स्क्वायर पर, बिशप e7, देन रुक एट ए गोज टू d1। लगभग दोनों खिलाड़ियों की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, बिशप गया f1 स्क्वायर पर, देन नाइट एट h गोज टू g7, a3, देन f5, तो b4 यहाँ व्हाइट ने किया, f4 बिशप पर अटैक बना, बिशप गया c1 स्क्वायर पर, देन बिशप f6, देन हुआ c5, g5, तो बिशप c4 यहाँ इस नाइट को कुछ देर के लिए पिन किया है। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया h8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट जिस तरह का गेम प्ले कर चुका है, वो ये जरूर यहाँ अपने रुक को d6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और उसके बाद रुक की बैटरी प्रिपेयर करेगा। लेकिन यहाँ ब्रिंस्टीन ने अपने बिशप को लिया b2 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने खेला h5। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब मूव। मैं यहाँ अजीबोगरीब क्यों कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी पॉन बस्ट की शायद जरूरत नहीं थी। नाइट गया d5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव कहां से निकाल कर लाए हैं ब्रेनस्टीन, अपने नाइट को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस कर दिया, क्वीन पर अटैक बना है, उनके साथ साथ डार्क स्क्वायर बिशप पर भी है। तो c takes d5 मुझे भी पहली नजर में कोई ऐसी मजबूरी नजर नहीं आ रही थी। तो हुआ e takes d5, नाइट पर अटैक बनाई, नाइट गया d4 स्क्वायर पर, देन knight takes d4, e takes d4, उसके बाद हुआ d6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई d7 स्क्वायर पर। एक पासर तो आ चुका है, क्वीन बनने से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर, तो एंड गेम में बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले हो सकता है। तो क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश करके कुछ वीकनेस इस पॉन चेन में क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? माइट बी। लेकिन rook takes d7, और फ्रेंड्स, आखिर ये क्या किया है आपने? और क्या यहाँ ब्लैक इस रुक को ले सकता है, bishop takes d4 कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन bishop takes d4 होने के बाद कह सकता हूं कि ये नाइट पिन होगा, क्वीन को मूव करना होगा, क्योंकि अगले मूव में यार रुक की थ्रेट होगी। इस e7 स्क्वायर पर आकर नाइट पर अटैक बनाने की, तो क्वीन c3 जैसा कोई मूव पहले यहां पर व्हाइट चलेगा, क्वीन g6, नाइट पर अगर डिफेंस हुआ भी, देन रुक e7, और मुझे नहीं लगता कि इस नाइट का अब कोई डिफेंस हो पाएगा। खैर, यहां खेला गया था f3, देन रुक d गोज टू e4, तो क्वीन गई f5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, पहली नजर में बहुत अच्छा मूव नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लैक ने इस रुक को पिन कर दिया है, क्वीन अनडिफेंडेड है, और रुक कम से कम मैं कह सकता हूँ कि पीछे भी आना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दैट पॉन। g4 यहाँ, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने खेला, क्वीन पर अटैक बना h takes g4, h takes g4, फिर दोबारा क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई g6 स्क्वायर पर, देन हुआ rook e8। और फ्रेंड्स, ब्रिस्टन ने यहाँ अपने इस क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, और जैसा अक्सर होता ही है कि क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मूव एक पूरी प्लानिंग के साथ खेला गया है। और मान लो अगर ब्लैक यहाँ इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, क्वीन टेक सी टू होता भी है, देन रुक टेक एफ एट चेक होगा, किंग के लिए बचेगा h6 स्क्वायर, देन होगा bishop g8 चेक, और अब किंग कहाँ जाए? अगर ये किंग g6 स्क्वायर पर जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट होगा, रुक टेक एफ एट एफ सिक्स चेक, और यहाँ ये मेट होगी, इसका कमाल की चेकमेट होगी। तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को h6 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। क्यों? क्योंकि rook takes f6 चेक होने के बाद क्वीन बीच में लग सकती है, rook takes g6 चेक होगा, king takes g6, और अब यहाँ हम इस एक स्ट्रॉन्ग पासर के साथ व्हाइट को देख रहे होंगे। वेल, क्वीन सेक्रीफाइस तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो ब्लैक को यहाँ क्या अपनी क्वीन को h6 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ rook takes f8, और अगले मूव में स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट बिकॉज ऑफ दिस क्वीन। तो यहाँ इस पॉइंट पर हुआ था bishop f5, और यहाँ इस e8 स्क्वायर पर एक काफी जबरदस्त अटैक बनाया। आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ व्हाइट g takes f5 करेगा, क्वीन पर अटैक बनाएगा, क्वीन मूव हो जाएगी, और फिर उसके बाद
रुक एक्सचेंज किए जा सकते हैं, लेकिन ब्रिंस्टीन ने यहां रुक टेक्स ए8 किया, उन्होंने यहां अपनी इस क्वीन को नहीं बचाया। क्या अब यहां ब्लैक इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है? व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक सी2? लेकिन अगर यहां से ही गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स f8 चेक होगा, क्योंकि सेवन स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन होगा रुक टेक्स f6, और अब ब्लैक की एक क्वीन भी ट्रैप हो चुकी होगी। क्वीन टेक्स f6 अगर कर भी लिया जाए तो बिशप टेक्स f6, और अब यहाँ एक कंप्लीट मैं कह सकता हूँ रुक के साथ व्हाइट खेल रहा होगा। तो नजरोफ को यहाँ करना ही पड़ा रुक टेक्स ए, लेकिन जी टेक्स एफ क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई h5 स्क्वायर पर, और आगे क्या प्लान हो सकते हैं ब्लैक के, एक बहुत स्ट्रांग चेक मेट करने के, लेकिन बिशप सही स्क्वायर पर रखा है इस चेक मेट की डिफेंस करने के लिए, रुक गया e4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रुक e4 स्क्वायर पर ही क्यों आकर रुक गया है? और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप किसी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाएं तो जल्दी से जल्दी मेटा इलेक्शंस करने की कोशिश करें। बिशप टेक्स b2 एक ऑप्शन थी, लेकिन क्वीन टेक्स b2 नाइट तो फिर भी पिन रहता, क्वीन h6 जैसा कोई मूव अगर यहां पर ब्लैक चलता भी, देन f6, और यहाँ अगर ये नाइट कहीं भी किसी स्क्वायर पर हटा जाता तो उसके बाद एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी होती। नाइट f5 जैसा कोई मूव अगर मान लेते ब्लैक चलता भी, देन रुक e8 चेक यहाँ पर वाइट कर सकता था। क्यों? रुक टेक c8 होने के बाद डिस्कवर्ड चेक होती, f7 चेक, और उसके बाद होता किंग h7 स्क्वायर पर जाता, और फिर यहाँ वाइट की एक नई क्वीन प्रमोट हो चुकी होती। फ्रेंड्स ये कैसी गेम है, यहाँ मैं जितनी इमेजिनेशन लगाना चाहूँ उतनी लगा सकता हूँ, लेकिन नजरोफ ने यहाँ क्वीन को x3 स्क्वायर पर ले जाकर चेक मेट की थ्रेट दी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिशप है यहाँ f1 स्क्वायर पर आने के लिए। क्वीन टेक्स f5 फिर दोबारा यहाँ इस रुक को पिन कर दिया है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि रुक h4 यहाँ पहले व्हाइट ने चला। फ्रेंड्स ये क्या कैलकुलेशंस हैं, जी टेक्स h4 अपना रुक भी सेक्रीफाइस कर दिया है, क्यों कर दिया है? क्वीन टेक्स f5 क्वीन एलिमिनेट होने के बाद नाइट टेक्स f5 जब हुआ तो बिशप टेक्स f6 चेक हुआ, ठीक है एक चेक आई, रुक और नाइट यहाँ ब्लैक के पास है और बिशप पेयर यहाँ व्हाइट के पास है, लेकिन व्हाइट के पास एक्स्ट्रा क्या है? डी फाइल में एक स्ट्रांग पासर जिस पर कि उसके बिशप का भी डिफेंस जा रहा है, किंग g8 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, और इसके बाद यहाँ ब्रिंस्टीन का फाइनल मूव आया d7, और इस मूव के बाद यहाँ मिगुल नेजरॉफ ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का फ्रेंड्स रीजन मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले मूव में कम से कम ब्लैक अपने इस रुक को गंवाने वाला है, और यहाँ 3 पॉन 2 पॉन और एक स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर के साथ ब्लैक यहाँ इस गेम में होगा। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम है स्वरूप कुमार जी ने हम जो हम सभी लोगों को बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।